सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कानून बना रही है और पुलिस को भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां नशे में धुत दो युवकों ने स्कूटी सवार महिला सिपाही को रोक कर अभद्रता करते हुए छेड़खानी की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को दबोच कर कोतवाली ले आई। दरअसल यूपी 112 में तैनात एक महिला सिपाही देर शाम स्कूटी पर सवार होकर कोतवाली से पुलिस लाइन जा रही। आरोप है कि बलीपुर के पास महिला सिपाही को नशे में धुत दो युवकों ने रोक लिया। अभद्रता करते हुए आरोपियों ने महिला सिपाही के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सिपाही ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भंगवा चुंगी पुलिस चौकी प्रभारी और सिपाही मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गए।